कोई प्रार्थना है जो सबसे शक्तिशाली है वो हनुमान चालीसा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हनुमान चालीसा से फिर प्रार्थना है, और सारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली है, लेकिन हनुमान चालीसा की शक्तिशाली और सरल प्रार्थना दूसरी नहीं है। हनुमान चालीसा ऐसी प्रार्थना है जिस प्रार्थना को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विद्वान हो, अज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, किसी विचार धर्म पंथ समुदाय हो, केवल मात्र हनुमान चालीसा को अगर पढ़ लेगा तो भी इसे सिद्ध कर सकता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी हो, भगवान शिव साक्षी है कि केवल मात्र हनुमान चालीसा को पढ़ लिया जाए तो भी उसको सिद्ध करता है। तो इस सृष्टि में इतनी सरल प्रार्थना है, इस प्रार्थना को आप कभी भी पढ़ सकते हो, कोई विशेष समय नहीं, कोई विशेष स्थान नहीं, घर पर, मंदिर में, कार्यालय पे, रास्ते पे, पार्क पे, स्कूल में, जहां आपकी इच्छा हो, जहां आपकी सुविधा हो, वहां हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। कैसे भी पढ़ सकते हैं, खड़े होकर, बैठ कर, चलते हुए, लेट कर, खाना खाकर, बिना खाकर, नहाकर, बिना नहाए, जैसी आपकी अवस्था, जैसी आपकी व्यवस्था, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और केवल मात्र पढ़ने से हनुमान चालीसा हो जाती है, किसी भी व्यक्ति को दूसरा और कोई नियम या और कोई मार्ग पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल मात्र हनुमान चालीसा को अगर आप पढ़ लेंगे तो भी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी और आपके सभी कार्य को कलयुग के साक्षात हनुमान जी महाराज पूर्ण करेंगे। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना की तो एकमात्र उद्देश्य था मानव मात्र का कल्याण, कि हर व्यक्ति जो भगवान से, हनुमान जी महाराज से अपनी प्रार्थना कह सके, और प्रार्थना कहने का अर्थ कि जो भी हमें कष्ट है उन कष्टों को हम हनुमान जी महाराज से निवेदन कर सके कि हमारे कष्टों को दूर करें। तो उन्होंने हनुमान चालीसा को पूर्ण करने के बाद लिखा, पूर्ण करके लिखा, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय भरे। आपको इस लाइन के बाद में आप अपने नाम से प्रार्थना अवश्य करें। आपके पास जो हनुमान चालीसा आई है इसमें एक लाइन छोड़ी गई है नीचे, उसमें आप अपना नाम लिखिए और अपनी हनुमान चालीसा अपने नाम से करें, तो लाभ होंगे आपको। पहला, आपकी प्रार्थना सीधे हनुमान जी महाराज तक सीधी पहुंचेगी। दूसरा, आपके पास हनुमान चालीसा होगी, आपके नाम की होगी, तो अपने पास आप उसको संभाल कर रखेंगे। वर्तमान में क्या हो रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ते मंदिर में जाकर उठाते पढ़ते रख देते हैं। हनुमान चालीसा आपके पास होनी चाहिए, और आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का अर्थ है किताब को देखकर पढ़ना है। आपको याद है, ये हम सबको ऐसी फेमी हो गई है कि हनुमान चालीसा हम याद कर सकते हैं। हनुमान चालीसा याद करना असंभव कार्य है। लोगों ने जो हनुमान चालीसा याद कर रखी है आपने रट रखी है। आपको चौपाई का आगे का भाग तो याद है, आप स्वयं से पूछिए, शंकर बेटे बेटे सबके राजो सुने